जिस तरह से बलौदा बाजार में घटना हुई है उसको लेकर अब कर्मचारी संघ आगे आया है, क्या कुछ देखते हैं इस घटना को लेकर, आप लोग का क्या मानना है जिस तरह से पूरी घटना हुई है? क्योंकि एक बड़ा नुकसान, कलेक्ट्रेट में आगजनी होती है, पथराव होता है, एसपी कार्यालय में कई कर्मचारी उस समय ड्यूटी में तैनात रहते हैं, किस तरह से आप लोग देखते हैं? इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा है ना का सवाल इस घटना से पैदा हो गया है। शासन लगातार इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग्स चल रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पर शासन इस पर जांच भी कर रही है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ऐसे में कर्मचारी संघ अब क्या चाहता है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है कलेक्ट्रेट में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई कर्मचारियों को इसमें नुकसान भी हुआ है, कई लोग चोटिल भी हुए हैं, कई लोगों के वाहन भी यहाँ पर जले हैं, ऐसे में अब क्या मांग आप लोग की है, किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि शासन से सहयोग मिले ताकि जो व्यवस्था है वो सुधर सके? उसकी सूचना मिलती है तो प्रशासन की और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी थी, है ना? तो उन्होंने तैयारी नहीं की, उदासीनता बरती, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे कर्मचारियों का जो नुकसान हुआ है, और पूरे कर्मचारियों से मेरी बात हो रही है, पूरे कर्मचारी भयभीत है। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट में जो ट्रांसफर हुआ था जब नया जिला बना था, तो 10 साल के रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए जल के। कर्मचारी संख्या जो प्रभावित इसमें हुए हैं कर्मचारी, उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई, कोई बात हो रही है कि आप लोगों भी जो घटना स्थल है वहां का आप लोगों ने भी निरीक्षण किया है, लोगों से मिला है आप लोगों ने? बलौदा बाजार में हुई आगजनी और पथराव की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय लिपिक वर्गीय संघ भी अब लामबंद हो गया है, उनकी भी कुछ मांगे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित तिवारी जी, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से बलौदा बाजार में घटना हुई है उसको लेकर अब कर्मचारी संघ आगे आया है, क्या कुछ देखते हैं इस घटना को लेकर, आप लोग का क्या मानना है जिस तरह से पूरी घटना हुई है? क्योंकि एक बड़ा नुकसान, कलेक्ट्रेट में आगजनी होती है, पथराव होता है, एसपी कार्यालय में कई कर्मचारी उस समय ड्यूटी में तैनात रहते हैं, किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको? हमारा संगठन निश्चित इस घटना की निंदा करता है, है ना? इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा है ना का सवाल इस घटना से पैदा हो गया है। हमारे कर्मचारियों की गाड़ियों को जला दिया गया, रिकॉर्ड जला दिए गए, अब कर्मचारियों के साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का मामला। हमारे संगठन की मांग है शासन से कि कर्मचारियों के जो वाहन जले हैं उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए, है ना, और उनकी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन होता है तो पहले उसकी सूचना मिलती है तो प्रशासन की और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी थी, है ना? तो उन्होंने तैयारी नहीं की, उदासीनता बरती, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे कर्मचारियों का जो नुकसान हुआ है, और पूरे कर्मचारियों से मेरी बात हो रही है, पूरे कर्मचारी भयभीत है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा काम करना भी उचित कैसे कर पाएगा काम? तो मैं शासन से मांग करता हूं कि सुरक्षा का वातावरण, भयमुक्त वातावरण वहां पे निर्मित किया जाए, कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाए कि पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की नहीं होगी, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है, उनका वाहन जले हैं, 100 से अधिक वाहन जले हैं वहाँ पे। अच्छा, रायपुर से जो रिकॉर्ड लाए गए थे बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट में जो ट्रांसफर हुआ था जब नया जिला बना था, तो वो 10 साल के रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए जल के। तो ऐसे पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, है ना? जैतखम को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जैतखम एक पवित्र स्थल है और उसकी उस पर जो नुकसान किया उनको बिल्कुल उनके पर सजा होनी चाहिए। परंतु हमारे कर्मचारियों के साथ जो हुआ है, पूरे कर्मचारी भयभीत हैं, इसकी शासन इनकी क्षतिपूर्ति दे और उनके लिए एक भयमुक्त वातावरण पैदा करे। क्योंकि शासन लगातार इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग्स चल रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पर शासन इस पर जांच भी कर रही है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, ऐसे में कर्मचारी संघ अब क्या चाहता है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है कलेक्ट्रेट में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई कर्मचारियों को इसमें नुकसान भी हुआ है, कई लोग चोटिल भी हुए हैं, कई लोगों के वाहन भी यहाँ पर जले हैं, ऐसे में अब क्या मांग आप लोग की है, किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि शासन से सहयोग मिले ताकि जो व्यवस्था है वो सुधर सके? सबसे पहले शासन से हम ये सहयोग चाह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों का मनोबल जो गिर गया है, भयभीत वातावरण में है, उनको एक सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम का भरोसा शासन दिलाए पहले, सबसे पहले। दूसरा, छोटे कर्मचारी हैं, लोन लेके कैसे भी करके अपना वाहन में आते हैं, तो उनके वाहन जो जले हैं उनकी क्षतिपूर्ति शासन एक निर्धारित करे शीघ्र ही। साथ ही साथ जिन कर्मचारियों को चोटें आई हैं, पथराव में कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं, उन कर्मचारियों को भी चिकित्सा की व्यवस्था, और भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए शासन पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्व विभाग जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं, है ना, राजस्व विभाग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो छोटे मोटे विभाग के कर्मचारी कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा मामला है, नेशनल न्यूज़ है ये। परंतु मैं शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप
कर्मचारियों का चाहते हैं कि दुगनी गति से काम करें, तो उनको सुरक्षा का वातावरण आपको देना ही होगा, है ना। ऐसे भयमुक्त भय ही भीत स्थिति में कर्मचारी काम नहीं कर पाएगा। कर्मचारी संख्या जो प्रभावित इसमें हुए हैं कर्मचारी, उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई, कोई बात हो रही है कि आप लोगों भी जो घटनास्थल है वहाँ का आप लोगों ने भी निरीक्षण किया है, लोगों से मिला है आप लोगों ने? टेलीफोनिक बात मेरी तुरंत 2-3 दिन से लगातार हो रही है ना। स्थिति यह है कि कल की बात बताऊं, आधे कर्मचारी डर के मारे नहीं आए थे। मेरे से जो बातें हुई उसमें उन्होंने कहा कि भैया हम लोग जिंदा बच गए यही हमारे लिए बहुत था, जान माल का नुकसान हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग कल जाएंगे, कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा बलौदा बाजार और कर्मचारियों से मिलेगा। हम कम से कम मॉरल सपोर्ट उनको देंगे और शासन से मांग करेंगे कि उनकी जो भी जान माल का नुकसान हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति दे, और साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो इस पे शासन विशेष गाइडलाइन तैयार करे, सिर्फ कलेक्ट्रेट के लिए ही नहीं अन्य विभागों के लिए भी, है ना। 55 विभाग है ना, 55 विभाग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यदि उग्र भीड़ आ जाती कहीं से तो उसके लिए क्या है, और प्रोटोकॉल का पालन और एक फोर्स बल होना चाहिए वहाँ पे ताकि कर्मचारी सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से बलौदा बाजार में घटना हुई है कर्मचारी संघ उस घटना की निंदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है शासन से कि जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारियों को नुकसान हुआ है उस नुकसान का उन्हें क्षतिपूर्ति दिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि कर्मचारी अगर काम करते हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे तभी कर्मचारी काम कर सकते हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।